तो दोस्तों ये देखो ये मैंने क्या बनाया है, सफाई आनी करी है। लेट्स डू द सफाई टुडे। हाँ भाई कंटेंट चेंज हो रहा है, फुल पावर बनेगा आपसे कंटेंट। दोस्तों मेरी बहन आ रही है नए टाइप के शॉर्ट्स और नए टाइप की शर्ट पहन के। हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। सैटर्न शनि व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अगर तुम लोग को मजे आ रहे मेरे इन व्लॉग्स को देखने में तो जरूर एक कमेंट कर देना भाई, और मैं बनाता रहूंगा, ब्रेक नहीं लिया करूंगा। और आज मैंने आज वाला व्लॉग, जो कल वाला व्लॉग था वो भी मैंने अभी अभी अपलोड कर दिया है, लाइव कर दिया है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी है। एंड नाउ आई एम मेकिंग दिस 26 अक्टूबर का आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। शाम के बज रहे हैं 8 बजे शुरू किया है मैंने आज का ये व्लॉग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या हो रहा है फ्लैट पे। फ्लैट पे बन रहा है ये बन रहा है फ्लैट पे, इडली और डोसे का बैटर है ये देखो, ये उत्पम बन रहा है, ये उत्पम इतने सारे उत्पम बन गए हैं। ओ यमी यमी यमी, ये मूंगफली है देखो, ये बढ़िया हमने सेक के रखी हुई है, खाते रहते हैं। और ये देखो, ये देख लो, ये एक सब्जी है, उसके ऊपर थोड़ी सी मूंगफली ग्राइंड करके डाल दी है। एडिटिंग का काम वगैरह चालू है, शॉर्ट्स और रील्स वगैरह एडिट कर रहा हूँ, रिएक्शन वीडियोस भी बनाने हैं अभी, तो थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद मिलूंगा आप लोगों से, फिर आराम से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। लव यू ऑल। दोस्तों इतनी बढ़िया सब्जी है आलू पालक की, उसके ऊपर ये है ना जो मूंगफली डाली है ना यार तुमने, अरे बहुत गर्म है, हाँ हाँ इसके ऊपर जो तुमने मूंगफली डाली है, हाय हाय क्या बढ़िया टेस्ट हो गया, आ हा मजा आ गया, मजे ही मजे, आलू पालक की चब्जी और उसके ऊपर मूंगफली। बस थोड़ी देर इस नारियल पानी को मैंने फ्रीजर में रख दिया था, और ये देखो जरा ये देखो, ठंडा ठंडा स्लश बन गया। स्लश जानते हो ना क्या होता है भाई, मुझे बहुत पसंद है ये, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है बर्फ जैसा बन जाता है, आ हा हा अब ये पीऊंगा। तो दोस्तों ये देखो ये मैंने क्या बनाया है, ये है कुकी डो, और ये है ऐसा ऐसा कुकी डो नहीं है, वीगन कुकी डो बनाया है मैंने। इसके अंदर मैंने प्रोटीन पाउडर डाला है वीगन वाला, ठीक है। मैंने इसके अंदर ओट्स डाले हैं, पिंटोला के चॉकलेट ओट्स आते हैं वो डाले हैं, तो पिंटोला के जो चॉकलेट वाले ओट्स होते हैं ना, चॉकलेट वाले ओट्स डाले हैं। और इसमें मैंने माय फिटनेस का पीनट बटर डाला है, और बहुत सारी किशमिश हम लोगों ने पानी में वॉश करके वो डाल दी, और कोकोनट ऑयल डाल दिया, बताऊं कौन सा वाला, ये वाला ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का महंगा वाला कोकोनट ऑयल डाल दिया है हमने इसमें। और अभी ये सारे और हमने इसके अंदर सीड्स भी डाले, सीड्स कौन से वाले दिखाता हूं मैं आपको, हमने इसके अंदर ये वाले सीड्स डाले हैं, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, ये दो वाले सीड्स डाले हैं। तो अभी बड़ा मजा आ रहा है, ये देख सकते हो आप लोग, कुकी डो अपने हाथों से गूंद रहा हूं कुकी डो को, अभी इसकी प्रोटीन बार बना दूंगा। नाइस। तो दोस्तों प्रोटीन बार तो बन गई है, अब ये देखो दोस्तों इस तरीके से, ये मेरी प्रोटीन बार अलग से निकाल रहा हूं। ये देखो दोस्तों ये बन गई प्रोटीन बार, अब इसको फ्रिज में रख देते हैं। ओ हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड, वेरी ना आइस, टिंगलिंग, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, ए लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। आज है संडे का दिन, सुबह से गाने चल रहे हैं और बढ़िया वाइब चेक हो रही है। और दोस्तों आज ये देखो फ्रूट फ्लाइज जो घूमते रहते हैं ना, जो घरों के अंदर केले के ऊपर आ जाते हैं, कचरे के डब्बे के आसपास आ जाते हैं, पूरा दिन मक्खियां छोटी छोटी घूमती रहती है ना, उसके लिए ये जुगाड़ बना लिया है हम लोगों ने। ये एक्चुअली हम लोगों ने एक प्रोडक्ट मंगवाया था अमेजोन से, तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूं क्या प्रोडक्ट है, बट इसको बस अपने को छिड़कना होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है, और एकदम कोई प्लांट्स वगैरह से बनता है, कुछ भी केमिकल्स नहीं होते, बहुत ही सही चीज होती है, पत्ती वत्ती का कुछ होता है भाई पाउडर, तो इसको अपने बाथरूम वगैरह में हर जगह बस ऐसे ऐसे स्प्रे करना होता है, ऐसे ऐसे ये यहाँ पे साइड में आ जाते हैं ना, ये इस तरीके से स्प्रे कर दो बस, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, इस तरीके से स्प्रे कर दो। दिवाली की सफाइयां आज मैं शुरू करने वाला हूँ दोस्तों, आज का ये पूरा व्लॉग
सफाई से रिलेटेड होने वाला है 100%, क्योंकि बहुत दिन हो गए सफाइयां नहीं करी है। लेट्स डू द सफाई टुडे। दोस्तों ये देख लो, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े लगा दिए संडे के, संडे लॉन्ड्री संडे। और ये देखो इसके अंदर कौन से हम लोग कौन से उस पे चलाते हैं, मिक्स डेली पे चलाते हैं, क्योंकि फुल कॉटन वॉटन होता है इसके अंदर, बट मिक्स डेली बढ़िया रहता है। देख लो भाई, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है मेरे पास में IFB की। ये है ना, बहुत टाइम पहले, 3 साल 3.5 साल पहले ली थी। मेरा ये ओपिनियन है कि ये ना फ्रंट लोड जो होता है ना वो बेकार होता है, टॉप लोड बेटर होता है। उसके अंदर आप इजीली मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। ये एक बार बंद हो जाती है बड़ी मुश्किल, कभी खुलती नहीं है, बीच उसमें तो खुलती नहीं है। बट टॉप लोड वॉशिंग मशीन जब भी आप लो वही खरीद लेना, बढ़िया एकदम फुल पावर होती है, ठीक है। और ये देख लो, अभी हम लोग ये मिक्स सुन रहे हैं, DJ मिक्स बढ़िया चला के छोड़ दिया गाड़ी के अंदर। देखो भाई DJ प्ले कर रहे हैं, बढ़िया फुल पावर। आज बढ़िया बढ़िया कपड़े ट्राई कर रहा हूँ, कॉस्ट्यूम्स ट्राई कर रहा हूँ, नई नई चीजें ट्राई कर रहा हूँ, और बढ़िया एकदम भाई तुम्हारा एकदम है ना चेंज हो रहा है भाई, अपना कॉन्टेंट चेंज कर रहा है। देखो एक मिनट, भाई कॉन्टेंट चेंज हो रहा है, फुल पावर बनेगा आपसे कॉन्टेंट। और दोस्तों ये देखो, ये मेरा प्रोटीन पाउडर मैं कहाँ रखता हूँ, अभी है ना क्रिएटिन और प्रोटीन पाउडर बना के एक बढ़िया शेक बना रहा हूँ। यो दोस्तों, अभी हम लोग शाम को वॉक करने निकले बाहर, और आज पूरा दिन ठीक से व्लॉग नहीं कर पाया था, तो कोई बात नहीं, अभी देखो बाहर आ गए हम लोग, बाहर आ गए। और ये देखो पूरी सोसाइटी में कितनी सारी लाइट्स लग गई है, देखो दिवाली की खुशी में, क्या बात है, सेलिब्रेशन इज ऑन। और देखो क्या मस्त लाइट्स लग रही है यार, आप लोग देख सकते हो पूरी सोसाइटी जगमगा रही है, क्या बात है। जरा लाइट्स देखो दोस्तों, पूरी सोसाइटी में कितनी सारी लाइट्स लग गई है, वाओ दिस इज क्रेजी। पर्पल लाइट, ग्रीन लाइट, अब की बार देखो मेंटेनेंस वगैरह आने लग गया है सबका, सब सोसाइटी मेंबर्स का मेंटेनेंस आने लग गया है, तो देखो पूरी सोसाइटी में लाइट्स लग गई है भाई साहब, क्रेजी। और लोगों ने भी अपने घरों में लाइट्स लगा ली। अभी हम लोग वॉक करने निकले हुए दोस्तों, और देखो पूरी सोसाइटी में लाइट्स लगी हुई है, सही में दिवाली टाइम, इतनी जल्दी लग गई यार टाइम से एकदम। देखो दोस्तों यहाँ पे ये लड़ी चल रही है, किस तरफ फेंकोगे, छोटी सी लड़ी है ये, एक एक करके ओ भाई क्रेजी। छोटी सी लड़ी चला रहे भाई ये लोग, इतनी छोटी लड़ी है, जैसी पहले आती थी ना कि एक पूरी लड़ी होती थी उसमें से हम लोग खोलते थे, वैसा नहीं है, एक 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 चला रहे हैं। एक एक अलग से आते, एक पैकेट वाला, हाँ वो ही नहीं होते थे मेरे पास में, मैं सिर्फ लड़ी लेके आता था उसको खोलता था। ये सब बच्चे भाई यहाँ पे लोग पटाखे चला रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 10-15 बच्चे मिलके पटाखे चला रहे हैं, एक सब लोग ने पटाखे चलाना शुरू कर दिए हैं, ये देख लो आप मेरे पीछे, क्रेजी माहौल हो रहा है, पटाखे हम तो नहीं चलाते बिल्कुल भी, क्योंकि एनवायरनमेंट की किसी को तो ध्यान रखने की जरूरत है, तो जिसको चलाने हम उसी का एंजॉय कर लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, पेड़ों पे भी लाइट लगा दी इन लोगों ने यहाँ पे, और मतलब बढ़िया पेड़ पत्ती सब हर चीज पे लाइट लग गई है, आप लोग देख सकते हो पेड़ों पे, देखो पिंक कलर की लाइट लगा दी यार, हाउ स्वीट, बढ़िया वाइब्स, मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं, एक नंबर लग रहा है पूरा का पूरा। हेलो देखो कितनी अच्छी लाइट्स है, ये यहाँ पे एक लाइट लग गई पेड़ के ऊपर, ये देखो यहाँ पे ये पाम ट्रीज लगा रखे इन लोगों ने, नहीं डेट ट्रीज है कि पाम ट्रीज, मुझे नहीं मालूम, डेट ट्रीज है वैसे, पाम ट्रीज तो कैसे ही हो सकते हैं। और यहाँ पे ये इन लोगों ने एक लाइट लगा दी है इसके अराउंड, इससे पहले कभी नहीं हुआ ये आज तक, ये पहला साल ही है जब हुआ है, तो भाई पहली बार हुआ है, वेरी हैप्पी फॉर दिस सोसाइटी, सोसाइटी कीप इट अप, तभी मिलेगा मेंटेनेंस का पैसा। चिढ़ा रहा हूँ, सोसाइटी वर्सेस द पीपल चलता है ना भाई, बहुत पिछले 4 सालों से चल रहा है, अब ये पहला साल है जब ये इतनी डेकोरेशन हुई है। और वैसे तो ये फाउंटेन भी ऑन कर देते हैं ये लोग, ये जो फाउंटेन है ना, बट आज ये ऑन नहीं है वैसे,
ये सब मुझे लगता है जब जब कोई इवेंट होता है तभी ऑन करते हैं लोग, जब जब बैंक्वेट हॉल का बुक होता है ना, जब यहाँ पे क्लब हाउस के अंदर एक बहुत तगड़ा बैंक्वेट हॉल बना रखा है अंदर यहाँ पे, और ना उसके अंदर जब बुकिंग होती है ना, एसी एसी लगा हुआ है, तभी ये लोग है ना फाउंटेन ऑन करते हैं, उसके अलावा नहीं करते ये लोग फाउंटेन ऑन। गंदा छोड़ रखा है काफी। ये देखो यहाँ पे सारे सोसाइटी के बच्चे खेल रहे हैं, सारे सोसाइटी के बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ाई, पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। तो दोस्तों ये जो मैं कॉफी लेके आया था, ये कॉफी अभी इस वाले जार के अंदर ब्रू करने वाला हूँ। ये देखो ये स्केल भी है अपने पास में, किचन वेइंग स्केल। अरे अरे ऑन क्यों नहीं हो रहा, अरे ऑन क्यों नहीं हो रहा यार, अरे अभी तो हो रहा था ऑन, अरे यार ऑन नहीं हो रहा यार, शिट हो गया। देखो 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 ये साला थोड़ा सा कंबक थोड़ा सा कमीना है। चलो अभी हाँ जी अब हो गया, अभी इसके अंदर हमें डालने वाले हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। क्या खुशबू है इसकी, देखो देखो दोस्तों क्या खुशबू है इसकी। अरे भाई कॉफी हो तो ऐसी हो। चलो जरा इसके अंदर ग्राम्स ग्राम्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कितने ग्राम जानू, बताओ तुम लोग बताओ। सबसे अच्छी बात है कोल्ड ब्रू की कि एक बार अपन उसको छान लेंगे ना, उसको वापस से अपन यूज कर लेंगे। ये देखो 28 ग्राम कॉफी। कॉफी ब्रू करने के बिल्कुल बाद ही मेरे घर वालों ने मुझे सरप्राइज दे दिया। मम्मी पापा और मेरी बहन आ गए थे, तो ये तीनों लोग एकदम से आए और इन लोगों ने सरप्राइज दिया। कोई घंटी वंटी कोई कुछ नहीं बजाई, कॉल कुछ नहीं किया, प्रैंक किया मेरे साथ में। तो मैं भाई बहुत इरिटेट हो गया, फिर मैंने कहा चलो यार चलो नीचे चलो, क्योंकि एक तो फ्लैट बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा छोड़ो यार अपन नीचे चलते हैं। देखो दोस्तों एक काउच आ गया है, नहीं देखो दोस्तों ये एक लिफ्ट वाले एरिया में यहाँ पे एक काउच आ गया है, मिरर आ गया है, देखो यहाँ पे देखो। अब हम लोग यहीं पे चिल करा करेंगे जब भी ये लोग आया करेंगे। तो ये देखो दोस्तों मेरी बहन आ गई है नए टाइप के शॉर्ट्स और नए टाइप की शर्ट पहन के। अरे नहीं नींद उतारनी पड़ेगी, अरे नींद उतारनी पड़ेगी, ध्यान से बैठना पड़ेगा। अरे अंदर से भी जा सकती है तू, अंदर से भी जा सकती है, अंदर से ही जा अस्मी, बैठी हुई है ना, खड़े हो जा, डर लग रहा है, चल छोड़ 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 इतना मत कर, अंदर खड़ी हो सकती है। दोस्तों सब घर वाले आ गए हैं क्लब हाउस के अंदर, क्लब हाउस बन गया है देखो यहाँ पे। ये देखो शैंडेलियर लग गया, ये देखो ये पूरा शैंडेलियर है, ये यहाँ पे रिसेप्शन बन गया पूरा। दोस्तों देखो अभी बर्तन मांज रहा हूँ, देखो दोस्तों बर्तन मांज रहा हूँ, ये देखो ये रहे बर्तन सारे, ये रहे सारे बर्तन। इस वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अभी काम वाम निपटा रहा हूँ घर के सारे, मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। दिवाली का हफ्ता शुरू हो गया है तो बहुत सारे काम वगैरह करने हैं, पूरा ब्लॉग बनाऊंगा, कल मिलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर देना ध्यान से, तुम भी बोलो सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब।